खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्य गुर्जर ने विभागीय अधिकारियों के साथ मालवीय नगर जोन का दौरा कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जन भागीदारी एवं जन जागरूकता के साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके बाद JLN मार्ग से राजा पार्क, SL मार्ग दुर्गापुरा होते हुए टोंक पुलिया के नीचे JP फाटक, सहकार मार्ग, लालकोठी सब्जी मंडी, टोंक फाटक सहित विभिन्न स्थानों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान मिली खामियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। आज आसिफ के सौपुरा के राजकीय महाविद्यालय में बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता पहुंचकर प्रचारक को ज्ञापन सौंपा और बताया कि प्रदेश में लगातार महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद द्वारा महिला उत्पीड़न एवं शिक्षकों के उत्पीड़न की घटना कारित की जा रही है तथा शिक्षा के मंदिरों की गरिमा का हनन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारी मांग है कि पूरे देश में ABVP संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। आज जो ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया आपने? अभी 2-3 दिन पहले जैनान विश्वविद्यालय जोधपुर में जो अमानवीय घटना हुई है उसको लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान में जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं। जो ABVP के कार्यकर्ताओं के द्वारा जैनान विश्वविद्यालय में एक नाबालिग जिसको अपने परिवार वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं और जिस तरह ABVP के कार्यकर्ता नेता बनकर उनकी मदद करने के बहाने जिस तरह की अमानवीय घटना की है वो काफ़ी निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि ऐसे फर्जी नेताओं छात्र नेताओं को कॉलेज के परिसर में आने से रोका जाए और ABVP को पूरे राजस्थान में बैन किया जाए। आपका नाम? सोदान गुजर। आज गुलाबी नगरी जयपुर में उद्योग भवन में माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बेरोजगार लोन लेकर अपना उद्योग चला सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई राज उद्योग मित्र द्वारा 10 से 15 मिनट में प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिससे राजस्थान के घर जिले में अपना उद्योग धंधा खोल सकते हैं। सरकार कम ब्याज दर में यदि 25 लाख तक लोन लेते हैं तो 8% छूट मिलेगी, यदि SC/ST लोन लेते हैं तो 9% तक की छूट मिलेगी। जो 10 करोड़ तक का करेगा उसको 5% ब्याज अनुदान राशि और SC/ST को उसमें 6%। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसीलिए किया है कि जो रोजगार जो भी करना चाहे, अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहे, हमारे पोर्टल पर आवेदन करे राज उद्योग मित्र पे और उसमें उसको 15 से 20 मिनट में प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो ये सारी चीजें अब MSME रिप्स में उसको लोन भी मिलता है, ब्याज में जो छूट दी जाती है 5 वर्ष तक, उससे कोई किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी परेशान करने के लिए नहीं जाएगा। पहले 3 वर्ष का था, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 वर्ष का कर दिया। तो ये राजस्थान के में उद्यम उद्योग स्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की ओर आकर्षित हो, चाहे समिट राजस्थान हुआ हो। तो ये सारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मेरे राजस्थान का विकास हो और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, उस सोच को पूरी करने का काम हो। तुरंत प्रभाव से हमने लोन पास करवा के उनको, जो कुछ लोगों को ब्याज में जो छूट देनी थी वहीं पर हमने उनका एक जगह पर ही जिला स्तर पर ही इस तरीके की कार्यशाला में फार्म भरवा करके उनको तुरंत सर्टिफिकेट हमने दे दिया कि आपका लोन भी पास हो गया। उसमें बहुत सारी महिलाएं आई थी जिन्होंने अपना बुटीक खोला, रेडीमेड की दुकान, कई ने जो जूती कारपेट का काम करते हैं, गलीचे बनाते हैं और बहुत सारे शॉप्स उन्होंने, जो चाहे परचुनी की दुकान का हो, तो उनको हमने वहीं पर लोन पास करवाने का काम किया। प्रत्येक जिले में तो पूरे राजस्थान में एक साथ किया ये अभियान, तो सब लोगों को जानकारी भी मिली और उद्यमी को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने में सहायता भी मिली। हमारे उद्योग विभाग की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर युवा और युवक युवतियों को रोजगार दिया जाना चाहिए, ये योजनाएँ जैसे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में जो 25 लाख तक का अगर कोई अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसको 8% ब्याज अनुदान राशि दी जाती है और SC/ST को 1% ज़्यादा दी जाती है, 9%, और जो 5 करोड़ तक का करेगा उसको 6%। ये समस्या रहती है तो वहाँ पर तुरंत हमने बिजली विभाग के SC से बात करके, MD से बात करके उनको 10 से 15 दिन में हमने पावर ट्रांसफार्मर्स दिला दिए। तो जो भी फैक्ट्रीज की
कंपनी वालों की समस्याएं थी या रिको एरियाज में रहने वालों की थी कि कोई सड़क की है, कोई नाली की है, तो उनका भी हमने वहीं पर तुरंत प्रभाव से निराकरण करने के हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों ने किया संभाग स्तर पे, वहीं जा कर के कि हमारे पास कोई आए, जिससे बढ़िया हमारे उद्योग के अधिकारी, रिको के अधिकारी वहाँ जाएँ और जिला लेवल पर किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित समस्या उसका भी हमने समाधान किया है। बाकी हम जिला जो अपना जयपुर उद्योग भवन ये जहाँ अपन बैठे हैं उसके बगल में ही वन स्टॉप शॉप है, वहाँ पर भी महीने के बृहस्पतिवार और सोमवार को बैठते हैं हम, लेकिन पहले बृहस्पतिवार को मैं रहती हूँ। अगर किसी कारणवश कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम होता है तो दूसरे दिन हम रख लेते हैं इस तरीके की मीटिंग, जिसमें कोई भी बाहर से आए तो वहाँ भी सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी रहते हैं। जैसे कि एक लंबा केस कई दिन से चल रहा था झालावाड़ का, कोटा का, हमने 125 के लगभग तुरंत ही उनका समाधान कर दिया, संभाग कर चुके हैं। संभाग में हमारे ACS मैडम रेणु जी गुप्ता, हमारे MD कमिश्नर, सभी को लेकर के, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर के हम वहां पर जाते और संभाग स्तर पे वहां सभी डिपार्टमेंट के और अन्य, चाहे राजस्व हो, UDH हो, PHD, बिजली विभाग और कलेक्टर और सभी को बुला करके ADM, वहाँ पर हम एक दिन का समस्या शिविर रखते। अगर एक दिन में पूर्ति नहीं होती तो हम दो दिन का भी रखते थे और उनमें सारे एसोसिएशंस वाले और इंडस्ट्रीज़ वाले और इंडस्ट्रीज़ रिको एरिया में रहने वाले सभी को हम बुलाते कि उनकी कोई भी किसी तरीके की समस्या होती तो उसका वहीं पर तुरंत, जिस भी विभाग से संबंधित कोई समस्या होती है तो उद्योग विभाग के अधिकारी वहीं पर उसका निराकरण करते आ रहे थे। तो हमारे पास कई जगह जहां गए वहां सबसे पहली मांग अग्निशमन वाहन की आई थी कि हमें कई बार आग लग जाती है तो परेशानी होती है, एरिए बड़े होते हैं तो हमें अग्निशमन चाहिए। जोधपुर पहले हम एक भिजवा चुके हैं, बाकी आज हमने जो नीमराणा, घीलोट और बीकानेर, ये तीन हमने हाई टेक्निक की जो अग्निशमन वाहन है वो रवाना किए हैं और आगे भी हमारी जल्दी 10 से 15 दिन में ही, अभी रेडी है वैसे तो, लेकिन उनको टेस्ट करना बाकी है, फिर वो बोरानाडा और जयपुर उत्तर और उदयपुर के लिए हैं। तो जो भी मांग जैसे जैसे आती है कि हमारे कुल में 34 अग्निशमन केंद्र स्थापित हैं, जिसमें से अग्निशमन केंद्र कुछ नगर निगम के भी होते हैं और रिको द्वारा कुल हमारे 42 राजस्थान में है, तो ये वहाँ पर जो केंद्र बनाए जाते हैं अग्निशमन के, वहाँ जाकर के हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और जो भी